हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एशियन ब्यूटी शर्मिष्ठा और मैं हूँ शर्मिष्ठा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, ये सब रिमूव करने के लिए 3 होममेड नेचुरल रेमेडीज जो कि बहुत इजी है। जो रेमेडीज के लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमारे किचन में हमेशा रहता है और जो इफेक्टिव है, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडीज है तो ये थोड़ा टाइम तो लेता है दिखाने में रिजल्ट, पर रिजल्ट जरूर जरूर दिखाता है। और मैं कह सकती हूँ ये गारंटी के साथ, आप रोज इसे ट्राई कीजिए और 7 days के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। पर उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसे रिक्वेस्ट किया है मेरे एक फ्रेंड अंजू शर्मा। अंजू, अगर आप ये देख रहे हो तो आपका रिक्वेस्ट मैंने सुन लिया और मेरी मम्मी भी, मेरी मम्मी ने रिसेंटली मुझे कहा कि आप, मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें पिगमेंटेशन के लिए कुछ बना सकूं, क्योंकि पिगमेंटेशन के लिए जो एंटी एजिंग क्रीम्स मिलते हैं बाज़ार में या पैक, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने मम्मा को बोला जल्दी बनाऊंगी। तो माँ, তোমার জন্য এটা তুমি ইউজ করো আর আমাকে ভিডিও কল করে বলো কেমন হচ্ছে, তোমার রেজাল্ট কি পেয়েছো। আগে আপলোগোনে অবি তক মেরে ভিডিও কো লাইক নেহি কিয়া হ্যায় তো জরুর ভো লাইক বাটন ক্লিক করকে লাইক কর দিজিয়ে। আপলোগোনে ইয়ে অবি তক সাবস্ক্রাইব নেহি কিয়া হ্যায় তো জলদি সে সাবস্ক্রাইব কর লিজিয়ে অর শেয়ার ভি কিজিয়ে মেরে ভিডিও কো আপলোগো কে ফ্রেন্ডস কে সাথ ফ্যামিলি কে সাথ শেয়ার কিজিয়ে হর এক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম পে। অর হ্যাঁ, চলিয়ে অব দেখ লেতে হ্যায় ভিডিও। पहला इंग्रेडिएंट है रॉ मिल्क एंड कॉटन बॉल। रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, हमें कच्चा दूध ही चाहिए जो कि बहुत अच्छा क्लींजर और एक टोनर की तरह एक्ट करता है। एप्लीकेशन के लिए आप रॉ मिल्क या कच्चा दूध में एक कॉटन बॉल को डुबाइए, यानी कि रुई को डुबा के अपने पूरे फेस में उस रुई को स्प्रेड कीजिए सर्कुलर मोशन में, जो जिससे कि आपके फेस के सारे डर्ट, जो गंदगी है, वो क्लीन हो जाएंगे। और इससे आप मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये स्टेप फॉलो कीजिए हर रात 7 days तक, आप क्योंकि रॉ मिल्क में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6, बायोटीन, प्रोटीन, विटामिन B12, लैक्टिक एसिड, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सारे विटामिन मौजूद हैं। तो रॉ मिल्क एक एक्सीलेंट चीज़ है जो कि आपको, आपके कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, रिंकल फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, आपके स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग, डार्क स्पॉट, एक्नी मार्क्स, सब कुछ से रिमूव करता है। रॉ मिल्क सेल फॉर्मेशन को रिन्यू करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज हेल्दी रखता है, आपके रफ अनइवन स्किन टोन को इवन करता है, पिगमेंटेशन को हटाने में बहुत बहुत इफेक्टिव है। और इस स्टेप को रिपीट करते रहिए 15-20 मिनट्स के लिए। जैसे कि आपने एक बार रॉ मिल्क लगा लिया, कच्चा दूध लगा लिया पूरे फेस पे कॉटन बॉल के साथ, उसके बाद उसको थोड़ी देर सूखने दीजिए, उसके बाद दोबारा फिर से वो कच्चा दूध अप्लाई कीजिए और 15-20 मिनट्स तक, जब तक ये दूध सूखता जाएगा, उसके बाद आप फिर से रिपीट करते रहिए और 20 मिनट्स बाद आप ठंडे पानी से धो लीजिए। आपको विजिबल चेंज 7 days के बाद ज़रूर मिलेगा। रेमेडी 2 के लिए हमें चाहिए कुकुम्बर और लेमन जूस। खीरे को पहले पील ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद उसको पीसेस में काट के एक ब्लेंडर पर ब्लेंड करने के लिए रख देते हैं। ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद कुकुम्बर का जो जूस निकलेगा, हम उसे एक ग्लास में डाल लेंगे, चकनी के ऊपर से हम ग्लास में डालेंगे ताकि अगर थोड़ा सा भी कुछ खुदरा है तो वो ना जाए अंदर। उसके बाद हम लेमन को काट लेंगे। नींबू को काटने के बाद नींबू को निचोड़ के जो उसका रस निकलेगा, हम उसे उस कुकुम्बर के खीरे के जूस में डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये रेडी हो गया हमारा मिक्सचर। इस जूस का स्मेल बहुत ही अच्छा है और एप्लीकेशन के लिए हम फिर से कॉटन बॉल ले लेंगे और उसे डिप करेंगे हम जूस के मिक्सचर में और फिर उसे अप्लाई करेंगे अपने फेस में। खीरे का जूस हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि खीरे के जूस में मैग्नीशियम है, फाइबर है, पोटाशियम है, जो बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे स्किन से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट और ग्लिमिशेस को हटाने में। कुकुम्बर जूस को हमने लेमन जूस के साथ यहाँ पे मिक्स किया है जो कि और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है हमारे स्किन को लाइटन करने में। लेमन जूस में विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन बी भी है, जो हमारे स्किन को फ्लॉलेस, ब्लेमिश फ्री बनाता है।
लेमन जूस हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे लगाने के टाइम आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि ये आपकी आँखों में ना घुसे, मेरे थोड़े आँखों में घुस गया था। तो उसके बाद लेमन जूस में 5% सिट्रिक एसिड भी है। लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अगर ये जूस सूख जाए, आपका फेस ड्राई होने लगे, तब आप रीअप्लाई करें जूस को फिर से, और ऐसे ही 15-20 मिनट्स तक रीअप्लाई करते रहे, और फिर सूखने के बाद इसे अच्छे से ठंडे पानी से धो के मुँह को पोंछ लीजिए एक क्लीन टॉवल से, और आप कितना फ्रेश फील करेंगे। आप एक हफ्ते तक ये ट्राई कीजिए, सच्ची में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके बाद आप मुझे ही थैंक यू बोलोगे। थर्ड रेमेडी के लिए हमें चाहिए चावल का आटा और एक संतरा। संतरे को पहले काट के उसका छिलका निकाल लीजिए, और मैं यहाँ पे 3 संतरे के स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंगली अपने फेस साइज के यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं एक छलने के ऊपर संतरे को रख के नीचे एक बोल रख के स्पून से प्रेस करके सारे जूस निकाल रही हूँ। आप अपने हाथ से भी संतरे को निचोड़ के जूस निकाल सकते हो। फिर संतरे के जूस में मैं 2.5 टीस्पून चावल का आटा डाल रही हूँ। आप अकॉर्डिंगली डालिए जितना आपको चाहिए होगा एक पैक बनाने के लिए। फिर अच्छे से दोनों को मिला के एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। मैं इस पेस्ट को अपने हाथों से पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप एक क्लीन मेकअप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। इस पैक में ऑरेंज जूस है। ऑरेंज जूस में विटामिन सी है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए। ऑरेंज जूस में एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे स्किन को एजिंग से बचाता है। ऑरेंज जूस बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है डार्क स्पॉट, ब्लिमिशेस और पिगमेंटेशन के लिए। ऑरेंज जूस एक्ने से भी हमारे स्किन को बचाता है। ऑरेंज जूस में एक्सेलेंट स्किन वाइटनिंग क्वालिटीज़ है, जो कि हमारे स्किन को इवन टोन देता है। एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी है ऑरेंज जूस में, इसीलिए ऑरेंज जूस बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट्स के लिए। ऑरेंज जूस हमारे स्किन को टोन करता है, रिजुविनेट करता है और एक रेडिएंट ग्लो देता है हमारे स्किन को। दूसरा इंग्रेडिएंट है इस पेस्ट में राइस फ्लावर। राइस फ्लावर ब्लिमिशेस, पिगमेंटेशंस और रिंकल्स हटाने में एक्सेलेंट है। राइस फ्लावर हमारे स्किन को ब्राइट बनाता है, वाइटनिंग इफेक्ट्स देता है हमारे स्किन को और इवन टोन करता है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इस पैक को 20 मिनट अपने फेस पे रखें, और फिर ड्राई होने के बाद उसे ठंडे पानी से धो ले और एक क्लीन टॉवल से अपने फेस को पोंछ लीजिए। आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस पैक को आप हफ्ते में 3-4 बार लगा सकते हो, और धोने से पहले हल्का सा स्क्रब करके धोइएगा। फिर आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपना ही बनाया हुआ नाइट सीरम यूज़ कर सकती हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो चेक कर लीजिए। आप चाहो तो आप कोई और मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि मेरा नाइट सीरम मुझे जितना ग्लो और हाइड्रेशन देता है, कोई और मॉइस्चराइज़र मुझे वो नहीं दे पाता है। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी शाइनी हो गई है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लव यू ऑल, बाय।